अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं शॉपिफाई स्निप्स के ऊपर। स्निप्स उसे कहा जाता है। बेसिकली शॉपिफाई स्निप्स आपके सेक्शंस को मज़ीद छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि अगर हम ऑनलाइन स्टोर्स में जाते हैं और अपने थीम के एडिट कोड में जाते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास लेआउट आता है, लेआउट की फाइल थीम डॉट लिक्विड। फिर लेआउट को मजीद टेम्पलेट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट का टेम्पलेट अलहदा होता है, कलेक्शन का टेम्पलेट अलहदा होता है, पेज टेम्पलेट अलहदा, सर्च अलहदा, इंडेक्स अलहदा। इसी तरह उन टेम्पलेट्स को मजीद सेक्शन में डिवाइड किया जाता है ताकि उनकी हम कस्टमाइजेशन अपने एडिटर के थ्रू कर सकें। इस तरह सेक्शन को फिर आगे हम मजीद हम स्निप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने एक यहाँ पे बनाया था कस्टम ब्लॉक्स के नाम से अपना एक सेक्शन बनाया था, क्योंकि हमने ब्लॉक्स बनाए थे। अगर आप हम प्रीव्यू करें थीम को और अपने कस्टमाइज सेक्शन में भी जाते हैं, तो सबसे नीचे ये हमने एक ब्लॉक बनाया था जो मैंने यहाँ पे ऐड भी किया हुआ था, जो कि इस फाइल के थ्रू हमने बनाए थे कस्टम ब्लॉक्स जो हम ये एडिटर के थ्रू ऐड कर रहे थे। अब हम एक स्निप्स बनाते हैं जिसको हम ब्लॉक्स को मजीद स्निप में डिवाइड करेंगे। इसका हम नाम रख लेंगे कस्टम डैश ब्लॉक डैश कोड। ओके, तो ये हमारी एक क्रिएट स्निप्ट हो गई, ये हमारी एक खाली फाइल हो गई है। मैं करूँगा जितने भी इसके एच टी एम एल का कोड है सारा, इस कस्टम ब्लॉक के सेक्शन का जो भी एच टी एम एल कोड है उसे कॉपी करूँगा, यहाँ से ख़त्म कर दूँगा और अपने स्निप्ट में जाकर फेंक दूँगा। सेव किया, यहाँ पर सेव किया। अब ये सारा कोड अगर हम यहाँ पे रीलोड करें तो आउटपुट इसकी सारी ख़त्म हो गई होगी। ठीक है, यहाँ से मैं रीलोड करता हूँ जाके एडिटर को। तो मैं सबसे नीचे जाता हूँ ये गैलरी वाले फोल्डर में, जो मैंने गैलरी में जो भी कुछ ऐड किया हुआ था यहाँ पे अब शो नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने इसमें सारा जिसकी आउटपुट कोड था वो ख़त्म कर दिया और जो स्निपेट हमने बनाई थी स्निप्ट उसमें जाके मैंने वो सारा कोड ऐड कर दिया। अब हम कैसे दोबारा यहाँ पे शो करवाएं? सिंपली कर्ली ब्रेसेस, परसेंटेज साइन, कीवर्ड होगा आपका रेंडर, एजुकेशन, और जो हमने स्निप बनाई कस्टम ब्लॉक कोड उसका नाम इसके अंदर CUSQM कस्टम डैश BLOCK डैश COD कस्टम ब्लॉक कोड और सेव कर दिया। बस इतना था, कुछ नहीं आया। जस्ट मैंने आई थिंक कोई मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे मैं तो अच्छा ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हमारा रेंडर नहीं था ना, यहाँ पे हमारा कीवर्ड आता है इंक्लूड INCLUDE इंक्लूड, फिर फाइल का नाम, उसे हम सेव कर देंगे। देखिए हमारे फिर से वो गैलरी का सारा आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पर भी अगर रीलोड करूँ तो मेरा जो कुछ भी कोड था वो सारा दोबारा वापस आ गया गैलरी का। ठीक हो गया, और चल भी एज इट इज़ रहा है। अगर हम ऐड करते हैं तो ये देखिए ये ऐड हो गई। यहाँ से इमेज सेलेक्ट करते हैं, ये सिलेक्ट हो गई और ये टेक्स्ट भी आ गया। ठीक हो गया, तो अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? मेरे जो सेक्शन वाला फोल्डर फाइल थी उसमें सारा मेरा स्कीमा कोड आ गया और मेरा जो एचटीएमएल कोड था वो एक सेपरेट ब्लॉक में स्निप में ऐड हो गया। अब मुझे परेशानी वाली बात नहीं है कि मैं एक ही फाइल में बार बार घूमता फिरता रहूँगा। ये बेसिक समझने के लिए, पढ़ने के लिए ईजी हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह आपके स्निप्स काम करते हैं। अब और भी स्निप बने हुए हैं, जैसा कि कलेक्शंस के लिए स्निप बने हैं, कमेंट्स के लिए, इसी तरह प्रोडक्ट की ग्रिड के लिए स्निप बने होते हैं, प्रोडक्ट प्राइस के लिए सेपरेट स्निप बना हुआ है, सर्च बार के लिए सेपरेट है। तो अगर आप जाएं फॉर एग्जांपल किसी भी कलेक्शन पेज के ऊपर,
तो ये कलेक्शन है, मैं आप इसको एक शुरू से दिखाता हूँ कि इसने कहाँ से कहाँ कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं टेम्पलेट्स के अंदर, कलेक्शन डॉट लिक्विड। तो टेम्पलेट ने किसे बताया हुआ, उसने कहा जी सेक्शन में जाओ और ये टेम्पलेट की फाइल पड़ी हुई है। तो हम क्या करते हैं, हम सेक्शन में जाते हैं, कलेक्शन डैश टेम्पलेट की फाइल देखते हैं, ये पड़ी हुई है, इसको ओपन करते हैं और इसमें सारा कोड लगा हुआ है, HTML का, HTML का कोड ढूंढते 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 ढूंढते, जैसे ये ग्रिड की बारी आई इन प्रोडक्ट की, ग्रिड की, तो आप देखेंगे कि उसने जब ग्रिड की फाइल लगाई है सेटिंग के बाद, उसने एक इंक्लूड लगा दिया प्रोडक्ट सॉर्टिंग की, ठीक है, वो आ गई इसके लिए। अब सॉर्टिंग हमने इनेबल की नहीं हुई इसमें अभी। अब मजीद अगर आप नीचे जाते हैं और अल्लाह आपका भला करे, ये देखें ये आपका मेन प्रोडक्ट की कोड शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने देखें कि इंक्लूड किया हुआ है प्रोडक्ट ग्रिड कोलीग के नाम से एक फाइल है। स्निप में जाते हैं, ये प्रोडक्ट ग्रिड कोलीग के नाम से फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। अब ये सारी फाइल इनको इस कोड को रेंडर कर रही है इस प्रोडक्ट्स को, ठीक है। तो इस तरह हम टेम्पलेट्स को मज़ीद सेक्शन में डिवाइड करते हैं, सेक्शन को हम मज़ीद स्निपेट में डिवाइड कर सकते हैं अब अपनी आसानी के लिए। तो यही था आपका आज का लेक्चर छोटा सा, अगर आपको इसमें समझ आई है तो शेयर करें, अगर आप नहीं समझ आई किसी चीज़ की कोई परेशानी या कोई छुट्टी हो तो आप ज़रूर मुझे बताइए, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंगली अपनी वीडियो को बेहतर बनाऊँ और आपको समझा भी सकूँ। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो में अपने एसेट्स के फोल्डर के ऊपर बात करेंगे कि एसेट्स क्या होते हैं। आई थिंक मैंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत बताया हुआ है, लेकिन फिर भी एक सेपरेट वीडियो बनते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।